Hello guys, welcome to Swat Cooking Institute, India's leading platform to learn cooking and baking, and Maya Gujarati here, faculty of Swat. आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप. तो क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप रेस्टोरेंट स्टाइल पे परफेक्ट कैसे बना पाओगे, इकोनॉमी रेंज में परफेक्ट स्टेप वन बाय वन कैसे फॉलो करना है, वो सारे टिप्स एंड टेक्निक के साथ हम ये सूप बनाने वाले हैं. सो एंड तक आपको ज़रूर से जुड़े रहना है. कैसे इसका परफेक्ट सूप का ग्रीन कलर आप रिटेन कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल फूड कलर, तो वो सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. और यस, हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक एंड शेयर करना तो बनता है. सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा और नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइब होने के बाद आप डायरेक्टली लाइव में हमसे जुड़ पाओगे और आपके क्वेश्चन डायरेक्टली हमें मिलते जाएंगे. सो मैं तो सूप बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, साथ में जानना चाहूँगी कि आज हमारे व्यूअर्स हमसे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं. तो सर आप बताते जाइए. सी, यहाँ पे हमने ली है ब्रोकली. विंटर में ब्रोकली बहुत अच्छे से मिलती है, सो ऐसे फ्लोरिंग्स आपको अच्छे से कट कर लेने हैं. यहाँ पे मैंने पानी गरम करने रख दिया है. स्टेप फॉलो कीजिए कि पानी पहले गरम करना है. पानी गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे एंड साथ में थोड़ी सी शक्कर. जब भी बॉयल करते हैं ये ब्रोकली तो ये दो स्टेप ज़रूर से फॉलो करना, और गरम होने के बाद ही ब्रोकली ऐड करना, जिससे आपका ब्रोकली का कलर काफ़ी अच्छे से ग्रीन रहेगा. यहाँ पे दूसरा मैं एक सीक्रेट रिवील करना चाहती हूँ. यहाँ पे है मेरे पास फ्रेश वाली स्पिनच. तो अच्छे कलर के लिए एंड सीक्रेट टेस्ट के लिए साथ में हमने ऐड करना है स्पिनच. तो यहाँ पे साथ में मैं स्पिनच ऐड करती जाऊँगी. और यस, ब्रोकली भी बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो हार्डली इसे 3 या 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट ही आपको बॉयल करना है. सो सर, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं हमसे व्यूअर्स? हमसे आज व्यूअर्स झारखंड, बॉम्बे, भरूच, पुणे, वलसाड़, बैंगलोर, डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेट से जुड़े. और मैम, इवन आज तो हमारे व्यूअर्स यूएसए से भी जुड़े. अरे वाह, वेरी नाइस. तो हम चाहते हैं कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल का ब्रोकली सूप अब आपके घर पे भी बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे आप. सी, आप साथ में जैसे ये अच्छे से उबल रही है तो आपने देखा कि गर्म पानी होने के बाद हमने ऐड किया तो ये हमारा कलर कम्प्लीटली रिटेन है यहाँ पे. ओके, सूप बन रहा है. प्रोसीजर हम आपको पूरी लाइव दिखाते जा रहे हैं, साथ में दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी देखते जाएंगे. यहाँ पे हमने लिया है अमूल का क्रीम. ओके, यानी कि जो भी फ्रेश क्रीम है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का है, तो रेस्टोरेंट में मेजोरिटी ये अमूल का क्रीम का यूज़ होता है. जब भी क्रीम का यूज़ करो तो डायरेक्टली ऐड मत करो, ऐसे इसे पहले थोड़ा बोल में निकाल दो एंड थोड़ा मिक्स कर लो, ताकि आपकी जो भी रेसिपी बनेगी वो कडल नहीं होगी एंड क्रीम का आपको प्रॉपर टेक्सचर मिलेगा. सी, साथ में हम जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे लाइव हर रोज़ आते हैं, आपने सीख के क्या क्या बनाया. और सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, ब्रोकली सूप की बहुत डिमांड थी तो किन के घर पे कल ही ये सूप बनने वाला है? उत्तरायण भी है और ये बढ़िया सा सूप ये विंटर में कल किन किन के घर पे बनने वाला है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे. सी, 2-3 मिनट में अच्छे से ये ब्रोकली भी हमारी ब्लांच हो गई है, स्पिनच भी हमारी ब्लांच हो गई है. अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने ये स्ट्रेनर लिया है और इसमें ये मैं निकालती जाऊंगी. मैम, सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि हम लोग बनाने वाले कल ही ये सो. ओके, वेरी नाइस. बना के हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा आपका रेस्टोरेंट स्टाइल का क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप. ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 2-3 मिनट इसे फ्रिज में रख दीजिएगा,
ओके, फ्रिज में रखने से क्या होगा कि इसका ग्रीन कलर अच्छे से रिटेन रहेगा, और हो सके अगर टाइम कम है तो ऐसे ठंडा पानी का थोड़ा वॉश दे दीजिएगा, पर ये इसीलिए ताकि ग्रीन कलर हमारा रिटेन रहे एंड कुकिंग प्रोसीजर इमीडिएट स्टॉप हो जाए। ये धीरे धीरे अगर रूम टेम्परेचर पे आता जाएगा तो ये अपना कलर धीरे धीरे डल करता जाएगा, तो ये स्टेज पे ये स्टेप बहुत ही रिक्वायर्ड है। जैसे हमारे पास तो मर्फी का यहाँ पे एक स्पेशल मिक्सर जार है, तो अभी मैं इसमें गरम पीस सकती हूँ, पर नोटिस कीजिएगा कि आपको घर पे इसे रूम टेम्परेचर पे लाना है। ये जो हमारा पानी है उसे फेंकिएगा मत, काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू इसमें होती है, तो अगर आपको आगे जाके सूप में कोई पानी की ज़रूरत है तो ये ऐड कीजिएगा, अदरवाइज ये मिल्क और क्रीम में बनने वाला है। ओके, सो इसे हम पीसते जाएंगे। सो सर, बाकी क्या कमेंट्स है हमारे व्यूअर्स की ओर से? मैम, हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि इसमें हम घर की मलाई यूज कर सकते हैं? सी, वेरी नाइस क्वेश्चन। वैसे तो कर सकते हैं, पर रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाना है तो मत करना। सेकेंड थिंग, अगर पंजाबी होता तो मैं आपको एक बार कहती कि यस आप कर लो, पर कॉन्टिनेंटल में घर की मलाई अवॉइड कीजिए। बिकॉज होगा क्या कि फिर जब वो मलाई उबलती है तो समहाउ वो घी में कन्वर्ट हो जाती है और उसका एक प्रोमिनेंट टेस्ट आ जाता है जो ये कॉन्टिनेंटल में अच्छा नहीं लगेगा। तो हो सके एंड रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाना है तो क्रीम का ही यूज़ कीजिएगा। और मैम, इसमें ब्लांच करते वक्त शुगर डालना कंपलसरी है? हाँ, जैसे ये अच्छे से अंदर पीसने लगा है, अब मेरा क्रीम ऑफ ब्रोकली है तो ये स्टेज पे मैं पानी नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी। ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप है, इसे ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको क्या ऐड करना है। जस्ट अ मिनट, इसे मैं अच्छे से खोल के दिखा देती हूँ। आप देखिए कितना अच्छे से ये कलर है, एंड नोटिस कीजिए कि ये स्टेज पे हमने मिल्क ऐड किया है। ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज हम क्रीम ऑफ ब्रोकली बना रहे हैं, तो ये इसमें मिल्क का टेक्सचर ही हमें ज़्यादा अच्छी फ्लेवर देगा। सी, अब हमें क्या करना है, कंप्लीट रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाना है तो इसे हम अच्छे से छान लेंगे। और कितना ब्यूटीफुल कलर है। जैसे साथ में मैं बताना चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि इसमें शुगर ऐड करना ज़रूरी है, मैं ज़रूर हाँ कहूँगी कि क्योंकि इसे कलर अच्छे से रिटेन रहेगा, एंड कभी कभी स्पिनच का भी खुद का एक प्रोमिनेंट थोड़ा अंदर से टेस्ट आ जाता है, तो इसके लिए पिंच शुगर, और वैसे भी इसमें मिल्क का यूज़ होने वाला है, तो जो भी मिल्क बेस्ड रेसिपी होती है तो मिल्क की ब्लेंड फ्लेवर बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी शुगर रिक्वायर्ड होती है। सर यहाँ पे दिखा दीजिए अगेन, ये जो मेरा मिल्क है वो मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, तो अगेन ये जार में थोड़ा मिल्क ऐड करके मैं बाकी का भी निकालती जाऊंगी। सी, अब ये स्टॉक आप बना के रख सकते हो, फिर जब भी आपको गरम सूप पीना है तो आप आगे की प्रोसीजर फटाफट से कर सकते हो। नॉर्मली कई बार क्या होता है, कैसे ब्रोकली को ब्लांच करके पेस्ट करके फिर ये स्टॉक उसका जो हमने निकाला, ये जो कहते हैं उसे स्टॉक कहते हैं, इतना रेडी करके रखते हैं,
आप चाहो तो इसे स्टोर भी कर सकते हो, पर अगर आपको स्टोर करना है तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि हमने जो मिक्स करने में मिल्क लिया वो मत लेना, आप पानी का यूज़ कर लेना। मैम ये मेजरमेंट में कितने पर्सन को सर्व हो सकता है सूप? सी नियरर आपका 2-3 बोल आपका बनेगा। ओके सी, तो कितना ये स्मूथ हमें यहाँ पे टेक्सचर मिल गया है ये देख लीजिए ऐसे। ओके ज़्यादातर गलती वहाँ पे होती है कि क्रीम ऑफ ब्रोकली बनानी होती है पर ये स्टेज पे लोग पानी का यूज़ कर लेते हैं। ओके सो उससे प्रॉपर टेक्सचर नहीं मिलता है, तो ये स्टेज पे आपको मिल्क या क्रीम का ही यूज़ करना है। मैम इसमें हम आलमंड यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली, जैसे हमने बॉयल किया स्पिनच एंड ब्रोकली वही स्टेज पे आप थोड़ी आलमंड भी यूज़ कर लेना तो उससे भी सूप गाढ़ा बनेगा एंड आलमंड की एक प्रोमिनेंट आपको अंदर फ्लेवर मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग, बाकी की थोड़ी आलमंड आप चॉप करके सूप में ऊपर से ले लेना। सी यहाँ पे अब सबसे पहले हमने लेना है बटर और हमें थोड़ी रॉ ब्रोकली भी चाहिए। इसमें हम थोड़ी रॉ ब्रोकली का भी यूज़ करने वाले हैं ग्रेटिंग में। अगेन ये सारे सीक्रेट है, सो कौन से स्टेज पे क्या यूज़ करना है वो ज़रूर से आप देखते जाइए। सो सर एनीथिंग एल्स? मैम हमारे व्यूअर्स को मशरूम का सूप सीखना है। डेफिनेटली हम वो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। सो सबसे पहले तो हम ऐड करते जाएंगे बटर। मैम वो ब्रोकली को स्ट्रेन करना ज़रूरी है क्या? हाँ, जिससे आपको रेस्टोरेंट जैसा एकदम क्रीमी टेक्सचर मिलेगा वो स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। बटर ऐड करने के बाद ये स्टेज पे सबसे पहले ये जो हमारा स्टॉक है वो मैं ऐड करती जाऊंगी। सी सर अब यहाँ पे मेन स्टेप दिखा दीजिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेना है बाइंडिंग के लिए और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके कॉर्नफ्लोर को डाइल्यूट कर दूंगी। ओके ऐसे। और यहाँ पे बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है कि स्पिनच कलर कॉम्बिनेशन के लिए है, ब्रोकली का यूज़ आपको ज़्यादा करना है एंड स्पिनच का कम, और पूरा प्रोपोर्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। अब ये जो कॉर्नफ्लोर है डाइल्यूटेड वो इसमें हम ऐड करते जाएंगे। मैम ये जो स्टॉक हमने बनाया है कितने, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? सी जैसे मैंने इनिशियली बताया कि मिल्क ऐड करके बनाओगे तो 3 या 4 दिन, पर आप पानी के साथ बनाओगे तो फ्रीज़र में आराम से आप 10 दिन तक भी इसे रख सकते हो। और जब भी कोई भी चीज़ स्टोर करो तो हो सके तो टपरवेल या कांच के एयर टाइट कंटेनर या जार में आप पैक करना। और मैम इसमें बटर कौन सा यूज़ करना है, सॉल्टेड की नॉर्मल? सॉल्टेड बटर ही यूज़ करना है। ओके सी अगेन मिल्क का एंड क्रीम का यूज़ होने वाला है तो पिन शक्कर, ये सारे सीक्रेट होते हैं, मीठा नहीं करना है पर टेस्ट बैलेंसिंग के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। स्पाइस लेवल के लिए थोड़ी सी ग्रीन चिली, आपको कंप्लीट कॉन्टिनेंटल एंड ब्लेंड टेस्ट पे जाना है तो ग्रीन चिली अवॉइड भी कर सकते हो, पर रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाना है तो मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ी सी ग्रीन चिली एड ऑन कर लेना। साथ में ऐड करते जाएंगे ड्राई अरेगानो। सो ऐसे अरेगानो को क्रश करके, पेपर पाउडर, अगेन कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए मैं थोड़ा मिल्क वापस ऐड कर रही हूँ। सर तो और क्या कमेंट है ये ब्रोकली आलमंड सूप के बारे में, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी बिकॉज आपकी फुल डिमांड पे हम ये रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। मैम आप हमारे इंस्टा और फेसबुक के व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ये लाइव खत्म होने के बाद ये लाइफ टाइम यूट्यूब पर रहेंगे? यस
हमारे इंस्टा और फेसबुक के व्यूवर्स, ये लाइव ख़त्म होने के बाद यूट्यूब पर ये वीडियो आप लाइफ टाइम देख पाओगे। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अभी भी आप अगर यूट्यूब पर स्विच होते हो तो आपके क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली मिलते जाएंगे, पर यस हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है तभी। ओके, थोड़ा सा पेपर पाउडर, साथ में एक कलर कॉम्बिनेशन के लिए ऐड करते जाना है चिली फ्लेक्स। सी कितना ब्यूटीफुल इसका कलर एंड टेक्सचर है, एंड स्पेशल ये विंटर्स में ब्रोकली भी अच्छे से मिलती है, एंड बहुत अच्छे से ये एकदम क्विक रेसिपी आप घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल की इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट, ये थोड़ा उबलने के बाद आप मेन स्टेप और फॉलो कीजिएगा एंड नोटिस कीजिएगा। अगेन कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए मैंने जार में थोड़ा सा मिल्क ले लिया एंड वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। सी अब ये क्रीम ऑफ ब्रोकली थोड़ा थिक होता है, पर आपकी पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे सेमी कंसिस्टेंसी में रखना, बहुत ज़्यादा थिक भी मत करना एंड बहुत ज़्यादा थीन भी नहीं। सेकेंड थिंग, हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है तो ऐसा नहीं है कि सूप थिक हो गया एंड ये डन है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, कॉर्नफ्लोर का कच्चापन कम्प्लीटली निकल जाना चाहिए। मैम हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि कॉर्नफ्लोर के बदले कोई और फ्लोर ले सकते हैं हेल्दी के लिए। सी हेल्दी के लिए अगर जाना है तो आप ओट्स पाउडर या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हो, पर अगेन ये रेस्टोरेंट स्टाइल का है तो कॉर्नफ्लोर। साथ में ऐसे क्रीम को हमने थोड़ा सा ऐड करना है ब्रोकली के फ्लोरिंग्स। ओके, सो ऐसा नहीं है कि क्रीम ऑफ ब्रोकली है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रीम ऐड कर देना है, यही मेन रेस्टोरेंट का सीक्रेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रीम ऐड कर दोगे तो फिर वो क्रीमी क्रीमी ही ज़्यादा लगेगा, आपको ब्रोकली की एक जो प्योर फ्लेवर आनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे बॉइलिंग में तो थोड़ा सॉल्ट था, पर स्टिल जो हमारा एडिशनली जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया, सो अकॉर्डिंग टू सॉल्ट। सो आप देखते हो कि कितना परफेक्ट ये हमारा कलर है, कंप्लीट रेस्टोरेंट स्टाइल का। अब यहाँ पे और एक मैं सीक्रेट आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने क्या करना है, अंदर एक स्पेशल क्रंच होता है, तो ये हमने कच्ची ही ब्रोकली ली है, इसे हमने कच्चा ही रखना है और इसे थोड़ा हम ग्रेट कर लेंगे ऐसे। ओके, तो ये जो चंक्स आपको पीने में आएंगे वो बहुत बेस्ट लगेंगे, समहाउ रेस्टोरेंट में हमेशा कुछ बेस्ट लगता है, तो यही छोटी छोटी टेक्निक है। ओके, हमारे व्यूअर्स आपको थैंक यू बोल रहे क्योंकि उनको पहली बार पता चला कि ये सूप में ओरेगानो भी होता है। यस, ओके, सी अगेन मैं यहाँ पे माइंड भी करवाना चाहूँगी कि आजकल हर एक रेस्टोरेंट का खुद का एक प्रॉपर टेस्ट एंड स्ट्रेटजी होती है। ओके, ऐसे आप बना के ट्राई करना, ज़रूर से बेस्ट बनेगा ये। जैसे जैसे पकता जाएगा एंड बनने के बाद ठीक होता जाएगा, थोड़ा क्रीम है, फिर यहाँ पे मिल्क भी है, तो कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए अगेन थोड़ा मिल्क। तो मिल्क का प्रपोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज आपकी ब्रोकली का स्टॉक कितने अच्छे से आपको गाढ़ा मिला है, आपका कॉर्नफ्लोर कभी ज़्यादा मिल्क एब्जॉर्ब करता है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। मैम हमारे व्यूअर्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं इतना अच्छे से और विंटर स्पेशल सूप लाने के लिए। सो अगेन थैंक्स टू यू स्वाद के साथ जुड़ने के लिए, पर यस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे लाइक चाहिए, बहुत सारी कमेंट चाहिए अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि 1 मिलियन व्यूज़ तो इसके होने ही चाहिए, तब हम जानेंगे कि यस हमारे व्यूअर्स रियली हमसे कितना प्यार करते हैं। ओके, सो फाइनली इसको मैं बोल में निकालती जाऊंगी। फाइनल प्लेटिंग भी आपको जरूर से देखनी है। यस सर। मैम वो ब्लांच वाला जो पानी था वो कॉर्नफ्लोर को डाइल्यूट करने में ले सकता है ना? पर वो ठंडा होना चाहिए, मेरा अभी गरम था ना इसलिए मैंने नहीं लिया, गरम में लम्स हो जाते हैं, सो ठंडा होगा तो कर लेना एंड वो पानी कभी मत फेंकना। अगर सूप में यूज़ नहीं हुआ है उसका पराठा बना लेना या फिर राइस में यूज़ कर लेना,
पर एज इट इज़ कभी मत वो पानी फेंक देना, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। सी, ये स्टेप करने के बाद अगेन थोड़ी ऊपर से मुझे ब्रोकली ग्रेट करनी है। रेस्टोरेंट में जब फाइनल बोल में सर्विंग होती है तो ऊपर से ऐसी, आप देखिए कितना अच्छे से लुक आ रहा है। नेक्स्ट ये जो क्रीम है वो साथ में ऊपर से, साथ में थोड़ा सा सराउंडिंग में चिली फ्लेक्स। सो विंटर स्पेशल ब्रोकली के साथ यहाँ पे कंप्लीट है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप। सो सर, अब हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि कितने लाइक्स मिले और कितने शेयर। मैक्सिमम हमें शेयर चाहिए, लाइक चाहिए। स्वाद आपके लिए हर रोज़ इतने एफर्ट्स करता है, अच्छी अच्छी रेसिपीज लाइक लाइव लेके आता है, तो बदले में सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए, मिलियंस व्यू चाहिए, वो सबके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। हमारे व्यूअर्स आपको हैप्पी उत्तरायण एडवांस में विश कर रहे हैं। ओह यस, रियली हैप्पी उत्तरायण टू ऑल ऑफ यू। गुजरात का बहुत ही अमेजिंग फेस्टिवल है। अगर आप गुजरात बाहर से हो तो डेफिनेटली कभी गुजरात में आओ, स्पेशली हमारे सूरत में आओ, हमारी उत्तरायण बहुत ही बेस्ट रहती है। ओके, और ये जो काइट फ्लाइंग है ये कम्प्लीटली एक साइंटिफिकल फेस्टिवल को हमारे गुजरात में एक बार सेलिब्रेट करके देखिए। मैम, ग्रेट करने के बाद जो ब्रोकली का लेफ्ट ओवर है उसका क्या करना है मैम? सी, फिर वो आप किसी सब्जी में यूज़ कर लेना या कोई और दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लेना। एक छोटा सा टुकड़ा ही आपको साइड बाई रखना है, नेक्स्ट डे जो सब्जी बनेगी उसमें डाल देना। मैम, हमारे व्यूअर्स पूछे कि सूप प्रीमिक्स का क्लास कब ला रहे हो आप? सी, बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। अगर ये वीडियो एकदम हिट हो गया तो बहुत ही जल्द हम आपके लिए सूप प्रीमिक्स का क्लास भी लेकर आएंगे। सो फाइनल लुकआउट दिखा दीजिए सर। सो मिलते रहेंगे ऐसी बेस्ट रेसिपीज के साथ। इन एडवांस हैप्पी उत्तरायण, बी सेफ, ओके, एंजॉय योर फेस्टिवल, और अंटिल देन बाय बाय।